अब हम ग्लो गार्डन के अंदर जा रहे हैं, जहाँ के जिसका के वक्त ही रात में आने का है अच्छा, जहाँ पे बेहतरीन लाइटिंग से ये पूरा पार्क सजाया गया है। तो चलिए ग्लो गार्डन का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि ग्लो गार्डन अंदर से कैसा दिखता है। आइए ये देखते हैं मेरे बैग पे आप, अभी हम इसके अंदर जाएंगे, तो चलिए चलते हैं अंदर। ग्लो गार्डन की एंट्रेंस शुरू हो गई है तकरीबन, और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। देखें यहाँ स्टॉल भी बेहतरीन लाइटिंग से सजाए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं कैटल, और ये जो प्याली नुमा कप नुमा आप एक चीज़ देख रहे हैं, स्क्वार्बी में फिनाइल कहा जाता है, जिसमें कि यहाँ की एक मशहूर इनका जो ड्रिंक है अरबिक कॉफ़ी, जिसे कहते हैं अरबी में गावा किक कहा जाता है, वो इसमें सर्व किया जाता है। तो ये इनके कल्चरल का एक हिस्सा है यहाँ के। यहाँ पे हर तरफ जिस तरफ भी आपको आपकी नज़र जाएगी वहाँ लाइटिंग ही लाइटिंग नज़र आएगी आपको। आप देख सकते हैं कि ये ग्लो गार्डन की एंट्रेंस है, एक टनल बनाया हुआ है जिसको लाइटिंग के ज़रिए बड़ी खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। तो हम चलते हैं अंदर की जाने। लाइटिंग से बड़ी खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। मैं आपको दूसरी जानिब का व्यू दिखाता हूँ। आप वीडियो तो देख रहे हैं, साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आइंदा भी आपके लिए इससे बेहतरीन जगह आपको दिखाते रहेंगे। तो गैस ये पार्क इतना बड़ा है कि आके कुछ रेस्ट कर लिया जाए, थोड़ी देर यहाँ पे सेटिंग करते हैं, थोड़ा सा बैठ के आराम करते हैं, फिर अंदर की तरफ जाते हैं। तो इतनी देर में अभी क्या क्या देखा? पार्क बहुत ही बड़ा है, हमने डायनासोर पार्क से स्टार्ट किया था और अब हम लोग ग्लो गार्डन तक आ चुके हैं। ग्लो गार्डन पूरी नहीं पूरा नहीं देखा है, अभी आधा ही देखा है, मगर बहुत बड़ा जगह है। तो अगर लड़कियाँ आप लोग आ रही है तो हील्स ना पहने, शूज़ ही पहने, और पानी या कुछ पीने के लिए कुछ ऐसे साथ में ले आए ताकि आपको प्यास लगे तो आप पी सकते। खाना पीना साथ और अभी तक जितना भी देखा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, जो कि हर जगह आप दुबई में किधर भी जाओ तो हर एक चीज़ अच्छे से मेंटेन करते हैं। और अभी देखते हैं, अभी चलते हैं, अभी 5 मिनट के लिए ब्रेक लिए तो आगे, और अभी आपके लिए आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ दिखाने वाले हैं आज हम। दो यूट्यूबर मिल गए हैं तो आज बहुत कुछ आपको दिखाएंगे। और फिर आपसे कहता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाजिम करें। थैंक यू, जरूर सब्सक्राइब।
थोड़ा सा आराम करेंगे फिर अंदर की तरफ चलेंगे। ये देखिए सिटी ऑफ हैप्पीनेस, वाकई ये ज़बरदस्त, बिल्कुल सही लिखा है, ये एक सिटी ऑफ हैप्पीनेस ही है। यहाँ आके हर शख्स खुश हो जाता है। ये देखिए गाइस कितनी खूबसूरत तरीके से दरख्तों पे लाइटिंग की गई है, हर चीज़ एक खूबसूरत अंदाज में लगाई गई है। गाइस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मैंने सर भी कवर कर लिया अपना, हमें किट मिली थी और ये बहुत खूबसूरत, अभी मुझसे मूव भी नहीं हुआ जा रहा, इतनी ज़्यादा ठंडा कि आप देख सकते हैं ऊपर भी पूरी बर्फ लगी हुई है और चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नज़र आएगी। मैं अभी अंदर भी ले जाके आपको दिखाता हूँ अंदर क्या सूरत हाल है। हाथ नम हो चुके हैं।
खोल चुके हैं। चलिए हम अब बात